उसके बाद बाकी टीम की जिम्मेदारी है वो कुछ करे, बाकी टीम के बाकी जिम्मेदारी है। बात हो रही थी स्पिनर्स की, तो जैसे आप बता रहे हैं ना कि आप 2019 का वर्ल्ड कप देखें कुलदीप यादव को, ठीक है, उसका जो एक्शन था ना वो थोड़ा हाई था, ठीक है। अब 2023 का जो है ना वो एक्शन थोड़ा उसका लो है, कुछ मिलीमीटर्स उन्होंने नीचे रखा हुआ है बॉल को, हाथ को, एक्शन को। मैं इसे बताना चाह रहा हूँ 2020 में ये ड्रॉप हो गए थे, 2021 में 2022 में ये कंसिडर भी नहीं कर रहे थे इसको लेके जाने का वर्ल्ड कप में, कि नहीं ये नहीं लेके जाएंगे हम, इसको नहीं लेके जाएंगे। लेकिन सब ट्राई करते कि इसको लेके जाएं, क्योंकि मुझे लगता है कि चाहल जो है इनके जो लेग स्पिनर है वो कंटिन्यूस इन टीम के साथ है पिछले 3 साल से, और चाहल को उन्होंने चाहल को ड्रॉप किया, उन्होंने पता है कुलदीप यादव को क्यों किया, हालांकि कुलदीप यादव पिछले 2 साल से टीम में नहीं था, वो एशिया कप में आया दोबारा और चांस दिया उन्होंने कि यार ट्राई करते हैं, चल गया तो उसे वर्ल्ड कप में ले जाएंगे, ठीक है। उन्होंने चांस दिया, उन्होंने परफॉर्म किया एशिया कप में, वरना चहल जा रहा था। और डेंजरस बॉलर अभी भी मुझे लगता है कि ये कुलदीप ही है। मैंने आपको कल भी बोला था परसों के मैन टू वॉच है बॉलर वो कुलदीप यादव है, ठीक है। परसों जो मैच ऐसे ही यार, मैं आपको वर्ल्ड कप के शुरू से कह रहा हूँ कि कुलदीप विल बी द मैन, बल्कि मैंने तो कहा था शायद हाईएस्ट विकेट टेकर होगा वर्ल्ड कप का। फिलहाल वो स्लॉट जो है बुमराह ने ले लिया अपने ही टीम प्लेयर से, बुमराह इज द हाईएस्ट विकेट टेकर इन वर्ल्ड कप। लीना अजीज पाकिस्तान क्रिकेट का एक बड़ा नाम है, कमेंट्री के हवाले से, ब्रॉडकास्टिंग के हवाले से, क्रिकेट बहुत देर से कवर कर रही हैं, पीटीवी पे भी शो करती रही हैं और भी डिफरेंट चैनल्स पे आके बाबर की कप्तानी को बड़ा क्रिटिसाइज करती हैं, जो कि राइटली सो भी है कि जब बाबर की कप्तानी की कुछ इश्यूज आते हैं तो ये तब भी करती हैं। खैर जब बाबर अच्छा खेल रहा होता है कप्तानी पर तब भी ये प्रूव करती हैं। ज़रा ट्वीट चेक करें उनकी, लीना अजीज की, उन्होंने ज़रा रगड़ा कल बाबर को, उन्होंने कहा बाबर आजम इज़ नॉट कैप्टन मटीरियल, ही डजंट हैव द थिंकिंग, इट डजंट हैव द थिंकिंग टूल द ब्रेन, मतलब तो सोचने वाला जो ब्रेन है उन्होंने कहा नहीं है। वेन ही लीग वेन ही लेट द कराची किंग्स ही सीम्ड यूजलेस टू, के कराची किंग्स के खिलाफ भी जब बाबर आजम ने कप्तानी की तो बिल्कुल यूजलेस कप्तानी लगी, ये लीना कह रही हैं। ही डजंट हैव द गट्स टू ड्रॉप हिज फ्रेंड फ्रॉम द टीम, ये बात है जिस पर बाबर को अब सुनना पड़ रहा है, जो पहले नहीं सुनना पड़ रहा था, कि बाबर भाई अपने दोस्तों को ड्रॉप करना सीखे, मतलब मुझे लगता है इसने इस वर्ल्ड कप से जाते हैं ना टीम को बता दिया होगा कि भाई ये मैस्टर आपके पास सीरीज है लास्ट वर्ल्ड कप की, इसमें परफॉर्म कर जाओगे कर, इसके बाद मैं तुम लोगों को नहीं बचा सकूंगा। आई थिंक ये कम्युनिकेशन जरूरी भी थी। ये ट्वीट अभी खत्म नहीं हुई, अगली लाइन में वो क्वेश्चन पूछ रही है, वो कह रही है ही कांट सेलेक्ट अ गुड स्क्वाड क्वेश्चन मार्क, के यार इतने बड़े तुम प्लेयर हो, इतना बड़ा नाम है, एक अच्छा 11 लड़कों का स्क्वाड नहीं खिला सकते। और फिर लास्ट लाइन में वो कह रही है डिड शादाब नवाज डिजर्व अ प्लेस इन दिस स्क्वाड क्वेश्चन मार्क, आगे वो खुद आंसर देके कह रही है नो, कि शादाब और नवाज की स्क्वाड में जगह ही नहीं बनती, आपने उनको टीम में डाला हुआ, इसीलिए शायद वो कह रही है कि आप लोगों को ड्रॉप करना सीखें। आगे वो आखिरी लाइन में वो कह रही है ही इज गॉट द सेम प्लास्टिक स्माइल व्हेन वी लूज एंड व्हेन वी विन, ये थोड़ा सा आप गलत बात कर रही हैं लीना, इससे मैं डिसएग्री करूंगा। बट जो क्रिकेट पे आपने बात की है वो बात आपका पॉइंट ठीक है, कि बाबर को अपने दोस्तों को, जो सुहेब हम पहले से बात कर रहे हैं कि वो जो दोस्ती अल अलियास साहब के साथ हमने आज सुबह जो ट्रांसमिशन की, अलियास साहब ने भी टीम को रगड़ा, उन्होंने कहा दिस इज नॉट पाकिस्तान प्लेइंग 11, दिस इज दोस्ती यारी टीम, दिस इज दोस्ती यारी 11, उन्होंने ये नाम दिया इसको, ये दोस्ती यारी। अच्छा वो हाँ। आप बात कर रहे थे ना कि कुलदीप यादव को ड्रॉप कर देते 2022 तक, वो कंसिडर नहीं थे वर्ल्ड कप में, चहल को लेके जा रहे थे। आप ये देखें कि आपकी बात ही सही यहाँ से प्रूव होती है कि चांस लेना चाहिए, जैसे आप अपना बल्ला किस तरह मार, भाई उन्होंने वर्ल्ड कप जीतना है, उन्होंने दोस्तियां यारियां नहीं जीतनी। अगर आप उसामा मीर को चांस दें बहुत कुछ बदल सकता है, हो सकता है। देखो ये मैं आपको बता रहा हूँ, उसामा मीर, ये जमान खान, अब्दुल्ला शफीक, सऊद शकील, ये प्रेशर की वजह से आए हैं जनरल, वरना अगर ये भी प्रेशर नहीं डलता ना तो बाबर भाई ने ये भी नहीं लेके जाने थे। सही बात है, बाबर भाई ने कहना था मैं इन्हीं के साथ जाऊंगा, मतलब अब मैं क्या, पता क्या और पता क्या होगा इस टीम में, बता जन्नत में भी नहीं जाए। आपको बताऊं इसका नुकसान पता मजीद क्या हो सकता है, कि आपका अगर ओपनर नहीं चल रहा, अगर आपका मिडिल ऑर्डर नहीं चल रहा, आपका बॉलर नहीं चल रहा, इसका जो फॉर्म में बैट्समैन है ना, जैसे रिजवान हमारे कंपेटिटिव, आप हमेशा वर्ल्ड कप में ले फॉर्म में बैट्समैन लेके जाते हैं जो फॉर्म में होता है। देखो मेरे बात, कुलदीप यादव को उन्होंने फॉर्म पे सेलेक्ट कर लिया था, उन्होंने चहल को ड्रॉप किया, चहल बहुत बड़ा स्पिनर है उनका, मेन स्पिनर था। हां हां मेरी बात सुने, मैं आपको बात बताता हूँ। देखिए टीम चहल पहल, टीम में ज्यादा जो है ना आजकल गार्डन में चहल पहल कर रहे हैं। देखिए जैसे टीम में आप देखे ना, ज्यादा चेंजेस नहीं हो भी नहीं सकती, इतने ज्यादा प्लेयर की जरूरत भी नहीं थी, 2-4 प्लेयर्स को आपको लेके जाना था जो जरूरी था, वही दोस्ती यारी। मुझे लगता है बाबर ने बता दिया भाई ये आखिरी वर्ल्ड कप है, इसके बाद मैं भी आप लोगों को नहीं बचा सकता, जो करना है कर लो। मुझे लग रहा है कि हर बंदा नवाज यार, जिसको क्रिकेट का नहीं पता ना, जितनी भी आवाज जा रही है नवाज शदाब, यार आपके पास 2011 में शायद अफरीदी था, मोहम्मद हफीज था, सईद अजमल था,
ओ भाई अब्दुल रहमान बेंच पे था, आप क्या बात करो, आपका स्पिन इतना हैवी था कि पकड़ा नहीं जा रहा था। शाहिद अफरीदी हाईएस्ट विकेट टेकर था पूरे वर्ल्ड कप का, और सईद अजमल इतनी फास्ट बॉलर भी कोई नहीं था, एक बॉलर शाहिद अफरीदी वाज हाईएस्ट विकेट टेकर विद 21 विकेट्स। बल्कि सामान ने और मैंने जो है ना शहीद अजमल से पर्सनली ये कहानियां सुनी हुई है, याद है आपको, हम पिछले निजी चैनल में जब हम करते थे, आप आपके पास वो वाले बॉलर ही नहीं, आपके पास दो लेके गए दो शॉपर, शहीद अजमल और आपको याद है हमें पर्सनल टिप्स देते थे वो, पर्सनल दो किसी काम के आए हैं फजूल में आए हुए हैं। क्या याद है आपको? शहीद अजमल नहीं, मैं बताना शॉपर का है तो मुझे याद है। मैं आपको बता रहा हूँ, मान साहब नवाज शुदाब को ड्रॉप करें, उसामा मीर को लेके और अब्दुल्ला सलमान आगा को डाले, सलमान आगा को डालेंगे पांच पांच ओवर करा लो शदाब से आगा से, सलमान अली आगा इतनी बॉलिंग तो वो भी करा लेता है। बिल्कुल आगा जी, सलमान अली आगा हो गया, वसीम जूनियर है, अगर देखें मारी खानी है विकेट नहीं लेनी तो आप उन प्लेयर्स को करने दें, वो भी यही कर ले, ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, मतलब वो ज्यादा से ज्यादा विकेट नहीं लेंगे, मार खाएंगे, मैच हार जाएंगे, तो अभी यही कर रहे हैं, अभी भी यही हो रहा है, तो आप काइंडली ये दो, तू मेरा मैच विनर है पॉइंट, किसे हो मैच विनर, हाँ जी ये मेरा मैच विनर है, तू मेरा मैच विनर है, कह रहे हैं कि इन्हीं लड़कों ने ओडीआई रैंकिंग पे ले गए। देखें जी इससे तो मैं बड़ा वो हूँ, एक तो मुझे वो होता है ना कि ओडीआई में हम यार मुझे स्टैट्स और रैंकिंग बिल्कुल।